बड़ी खबर से, कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, चकेरी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वहीं राज्यपाल राम नाईक ने उनका स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चकेरी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां राज्यपाल राम नाईक ने उनका स्वागत किया। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एयरपोर्ट पर राज्यपाल राम नाईक ने उनका स्वागत किया, साथ में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी मौजूद हैं। उन्होंने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया एयरपोर्ट पर। चकेरी एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। राज्यपाल राम नाईक, मंत्री सतीश महाना ने किया स्वागत। राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने के लिए कानपुर आए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चकेरी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, जहां राज्यपाल राम नाईक और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां राज्यपाल राम नाईक और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने उनका स्वागत किया। एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर पहुंचे हैं। संवाददाता सुनील गुप्ता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुनील, क्या कार्यक्रम है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज कानपुर पहुंचे हैं? ये आज राष्ट्रपति जी के यहाँ पे 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं। एक यहाँ पे कार्यक्रम है, पहला उनका जो है फॉक्सी द्वारा आयोजित किया गया है, कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में है। वहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा, कुछ से करीब 5 मिनट बाद कार्यक्रम शुरू होगा। अभी तक जो राष्ट्रपति हैं वो सीएसए पहुंच चुके हैं। सीएसए से उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्थान किया है। मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में का उद्घाटन करने के बाद वो सीएसए में आयोजित एक डेवलपमेंट काउंसिल के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, और उसके बाद यहां से नरवल जाएंगे। नरवल में पार्षद जो श्यामलाल गुप्ता जी थे, उन्होंने जो झंडा गीत का रचयिता थे, उन्होंने उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके साथ साथ जो वहां से निकल करके फिर वापस वो चकेरी एयरपोर्ट आएंगे, जहां से लखनऊ जाने का उनका अभी तक प्रोग्राम है। इसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो काफी चाक चौबंद की गई है, और जो यहाँ पर प्रदेश भर के तमाम अधिकारी हैं वो इस समय कानपुर में मौजूद हैं। फिलहाल अभी उनका जो पहला कार्यक्रम है वो मेडिकल कॉलेज में शुरू होने, अब से कुछ देर बाद ही शुरू होने जा रहा है। जी सुनील, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ रूट डायवर्जन भी हुआ होगा? जी, आज जो ट्रैफिक को लेकर के रूट डायवर्जन किया गया है, वो इनके जो शनिवार मतलब आज जो गोल चौराहा है, वहाँ से रावतपुर से कंपनी बाग तक की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बदली, उसमें बदलाव किया गया है। जो सुबह से आज 9 बजे से ही यहाँ से ट्रैफिक डायवर्जन कर दिया गया, अब ये जो ट्रैफिक डायवर्जन है दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो रावतपुर चौराहा है, चूंकि यहाँ से पास में मेडिकल कॉलेज है, रावतपुर चौराहा से कोई भी वाहन कंपनी बाग चौराहे की तरफ नहीं जा सकेगा। इसके अलावा जो कुछ वाहन है जो गोल चौराहे से जीटी रोड की तरफ जाना था, उनको दूसरे रास्ते पे मोड़ा गया, और गोल चौराहे से कोई भी जो वाहन है वो हैलट अस्पताल की तरफ नहीं जाएगा। उनको सभी को जाने के लिए कोका कोला चौराहा होते हुए दूसरे रास्तों पे डाइवर्ट किया गया। इसके साथ साथ जो कंपनी बाग से रावतपुर की तरफ जो रास्ते जाने वाले रास्ते थे, उन रास्तों पर भी रोक लगा दी गई। उन रास्तों को डाइवर्ट करके विष्णुपुरी की तरफ मोड़ा गया है। इसके अलावा जो सीएसए में भी कुछ ऐसा ही डाइवर्जन किया गया, लेकिन जो नरवल की बात करें तो नरवल में कोई भी डाइवर्जन नहीं, क्योंकि वहाँ चकेरी एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर द्वारा नरवल जाएंगे, और नरवल से वापस चकेरी एयरपोर्ट पे आएंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी सुनील, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।
तो चकेरी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां राज्यपाल राम नाईक और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने उनका स्वागत किया।